अच्छा ये लगाओ, 2 दिन के क्लास में पैसा वसूल हुआ कि नहीं हुआ? यस सर, पूरा पैसा वसूल। इसे निकाल के क्या वैल्यू है वो सब बताया, बोर्ड में क्या वैल्यू है, बोर्ड में से निकालने के बाद क्या वैल्यू है ये सब बताया। बहुत नीलेश कैसा लग रहा है सब? बहुत बढ़िया, अनबिलीवेबल। फेसबुक के प्यारे लोगों, मेरा नाम है देवत्न अग्रवाल और आप देख रहे हैं 28 मार्क्स का बैच। दिखाइए इनको, मुझे ये बताइए आज किसने 4G सीपीयू रिवॉल्व किया है? बताइए 4G सीपीयू रिवॉल्व किया है कौन से सेंसर से? चलो सीपीयू कौन सा रिवॉल्व किया ये पूछते हैं। डुअल रेकर किसने रिवॉल्व किया है? आप करके बताओ। अच्छा सर देखा, डुअल रेकर किस किसने रिवॉल्व किया है? चलो ठीक है, आज एक बार ऐसा तो नहीं कि एक ही बार किया तो फिर हो गया। 10 टाइम बताओ कितना टाइम? 10 टाइम 1 बार में 10 बार। देखो ये देखो, ये सीपीयू रिवॉल्व किया है, ये हाथ में भी लेकर बैठे हुए अपना, और ये आईफोन का है 8 लो, और ये यूनिवर्सल से किया है हमने। सर आईफोन का सीपीयू बना रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? यस सर, बड़ा था। दिखाइए जरा सीपीयू, दिखाइए और बड़ा काशा को दिखा सर। जैसा ये पॉलिश निकल जाए इससे ऐसी हो चुकी है। दोनों तरफ छोड़ो मेरे को, डबल डेकर और आईफोन 8 का सीपीयू किस किसने करा? सबने किया सर, सबने किया। यस सर, कोई बचा तो नहीं है? नहीं सर, कोई भी नहीं बचा है सर। कैसा संभव है भाई आईफोन 8 का सीपीयू पहले दिन? ऑनलाइन कुछ सीखू बट कुछ वो था ही नहीं वो यूट्यूब में, जो सर आदि ब्रदर सर ने बताया वो भी कुछ घंटों में पूरा डॉट क्लियर हो गया सर मेरे को लेके डाइवोर्ड कॉइल को लेकर। विश्वास नहीं हो रहा था कि सर इस लेवल पे मैं कभी कर पाऊंगा, लेकिन अभी खुद पे विश्वास। मतलब इतना अच्छा समझा रहे थे सर कि एकदम से मजा ही आ जाता था, मतलब अंदर से अच्छी फीलिंग आती थी कि अच्छी जगह पहुंच गया, ऐसे टाइप का फीलिंग आ रहा था सर। और सब कुछ एकदम डीपली डिटेल्स जो है वो ड्यूसर के पास मिलती है जो कोई यूट्यूब में मिलती नहीं है जी, और उनके साथ सीखना वो एक बहुत बढ़िया ये अनुभव है। और उसके बाद हमारा दूसरी बार, हमने सोचा भी नहीं था कि हम एक दिन में सीपीयू रिवॉल्व कर सकते हैं जी, लेकिन हमने रिवॉल्व किया। 9 बजने वाला है जी सर, सवेरे क्लास स्टार्ट कब हुई थी? 8 बजे। टाइम क्या हो रहा है? 9 बजे हो गए। कितने घंटे की क्लास हो गई? 13 घंटे। 13 घंटे की जी सर क्लास, बहुत बढ़िया हुई। उसके बाद आज डुअल डेकर से रिवॉल्व किया सर, और आपका नॉर्मल एक पावर आई से भी रिवॉल्व किया है। आईफोन का भी किया है? यस सर। उसके बाद क्या क्लास थी? उसके बाद देवरत्न सर के साथ कंपोनेंट की दूसरे दिन की क्लास थी। पता नहीं ऐसे चीजें भी देवरत्न सर, ऐसी चीजें मालूम पड़ी है आपको कि जिसमें जो अभी यूट्यूब की हिस्ट्री में ही नहीं है। यूट्यूब वाला नॉलेज तो नहीं मिल रहा? नहीं सर, यूट्यूब वाला नॉलेज नहीं है। सर मैं बिहार से हूँ सर, तो आज सुबह में हमारी क्लास थी ड्यूअल डेकर सीपीयू रिवॉल्विंग और आईफोन रिवॉल्विंग सर। आईफोन की सीपीयू 8 थी? 8 थी सर। हाँ सर, मैंने उसको 3 बार किया, ड्यूअल डेकर को मैंने 4 बार किया, और फिर सेकंड क्लास। प्रिंस कैसा लग रहा है ये सब करके? बहुत मस्त सर, पहले मैं कभी नहीं किया था वो डबल डेकर, तो कभी छूने तक ही डरता था, बट आज वो मैंने कंप्लीट किया। मेरा नाम है पीतमपाल, मैं असम से। हाँ मैं सीख किया, उसके बाद मैंने डबल डेकर मुझे दे दिया। मैं मतलब उसके बाद मैंने डुअल डेकर करने के बाद डायरेक्ट आईफोन सीपीयू में डायरेक्ट चला गया। उसके बाद यूनिवर्सल सब यूनिवर्सल ही यूज होता है यहाँ पे। सर वो भी अच्छी तरीके से समझाया, और रिवॉल्व करना था आईफोन का, आईफोन 8 का, और यूनिवर्सल टेंसिल से सर अच्छे से हो गया सर जी। बहुत अच्छा लगा सर एशिया टाउन टेलीकॉम आके। डबल डेकर और आईफोन 8 का सीपीयू हम लोगों ने रिवॉल्व किया सर, जो वो दूसरा कोई नहीं दे सकता है। और उसके बाद हम लोग का क्लास था देव सर के साथ, वो आज हम लोग कंपोनेंट डायोड और क्वाइल था, जो किधर जो मैं आज 4 साल से कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इतने डीप नॉलेज कभी नहीं मिली जो देव सर ने दिया। और विश्वास नहीं हो रहा था कि सर इस लेवल पे मैं कभी कर पाऊंगा, लेकिन अभी खुद पे विश्वास। बॉल बनाने की ऐसा ही प्रैक्टिस हुई थी हमारी, जिसमें हमने डुअल डेकर्स की आईसी यूज़ करी, प्लस अपना आईफोन 8 का हमने सीपीयू यूज़ किया था, प्लस एक पावर आईसी भी हमने यूनिवर्सल से ही बनाई थी। और उसके बाद फिर हमारे देव सर के साथ कंपोनेंट की क्लास हुई,
कॉम्पोनेंट क्लास के बाद जो सर ने हमें जब बताया था उसके बारे में हमारे फिर हमें प्रैक्टिस कराई गई, बोर्ड पे दिखाया गया। कैसा लगा सर? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। देव सर से बढ़िया कोई कॉम्पोनेंट पढ़ा सकते? नहीं सर, मतलब ही नहीं है, क्योंकि उनका जो नॉलेज वो देते हैं सब्जेक्ट होता है कॉम्पोनेंट, नहीं दो दिन में कोई सारा समझा सकता? नहीं सर, मतलब नहीं सर, मतलब जो उनका तरीका है समझाने का वो बिल्कुल ही अलग है, यूट्यूब से तो है ही नहीं सर, मतलब ही नहीं है, वो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करते हैं। मेरा नाम राहुल साहू है सर और मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। पूरी बॉलिंग की क्लास हुई जिसमें मैंने डुअल डेकर 4 किया सैमसंग का और 3 आईफोन का किया, आईफोन 8 का, और वो सब बढ़िया से हुआ सर। देवरतन सर के साथ क्लास हुई उसमें कंपोनेंट की जानकारी दी और जो भी पहले तो सर हमें कुछ भी पता नहीं था कौन क्या कैसे, एकदम जीरो थे सर। हाँ अब तो जैसे कि अभी भैया ने बताया कि देख के ही पहचान सकते हैं, सही बात बोली सर, हम देख के ही पहचान सकते हैं। भले ही आ गए थे लेकिन अंदर से थोड़ा डर लग रहा था कि सीख पाएंगे कि नहीं सीख पाएंगे कि नहीं, लेकिन क्लास में बैठने के बाद और सर के साथ क्लास में मतलब जैसे कि जैसे सर बताते गए वैसे वैसे आत्मविश्वास बढ़ते गया कि हाँ हम कर सकते हैं। और क्या बताने का तरीका ही ऐसा सरल था सर और इतना अच्छा बता रहे थे कि मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ गया सर और इम्पॉसिबल चीज़ अब पॉसिबल लगने लगा सर। रमान है, मैं महाराष्ट्र से हूँ जी और मैं फ्रेशर हूँ बिल्कुल जी, और आज अपना डबल डेकर का था जी और अपना दोपहर के टाइम पे सीपीयू वगैरह का काम भी था। एक चीज़ को मतलब 2 बार 4 बार 6 बार जब तक बार बताते हैं मतलब जब तक आपको समझ में नहीं आ जाए तब तक वो क्लास वहाँ से आगे नहीं बढ़ती है। ऐसा देव सर ने दो चीज़ रखी है ना, एक वाली क्लास रखी है और एक अली क्लास रखी है। यस सर। कैसा लग रहा है दो दिन? सर अच्छा लग रहा। आप फ्रेशर हो इस फील्ड में? यस सर। इसके पहले कुछ भी नहीं किया था? कुछ भी नहीं किया था। कुछ भी नहीं जानते? कुछ भी नहीं जानता था। कैसा लग रहा है आपको दो दिन का अनुभव? बहुत लग रहा है, बहुत फीस वसूल है आपकी? यस सर। डबल लेकर आई सी रिबोलिंग की, उसके बाद कंपोनेंट की दूसरी क्लास थी आज, वो पूरा कंपोनेंट के बारे में देव सर ने समझाया हम लोगों को, दो दिन में बहुत कुछ सीख लिया। कहाँ से? मैं त्रिपुरा से। त्रिपुरा से? वो सीपीयू रिबोलिंग से जी। इसके बाद कंपोनेंट के क्लास थी जी। कंपोनेंट के क्लास में आज तो बहुत ही मतलब ऐसी जानकारी मिली जो कंपोनेंट हम लोग देखते थे लेकिन वो क्या है नहीं है उसके बारे में कुछ पता ही नहीं था हमें, आज उसकी जानकारी मिली। हाँ आज सुबह हमारी सीपीयू रिबोलिंग की क्लास थी, हमने आईफोन और डबल ड्यूल डेकर सीपीयू रिबोल किए, फिर दोपहर को देवर्तन सर के साथ के क्लास थी उसमें कंपोनेंट्स भी बताया, डायोड कॉइल ये सब बताया, वो लाइव बोर्ड में से निकाल के क्या वैल्यू है वो सब बताया, बोर्ड में क्या वैल्यू है बोर्ड में से निकालने के बाद क्या वैल्यू है ये सब बताया। बहुत कैसा लग रहा है सब? बहुत अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। गुजरात से आके कोई गलती तो नहीं कर गया? समस्तीपुर बिहार से हूँ, आज हमें सुबह सुबह बताया गया आईसी को रिबॉलिंग करना जिसमें डुअल डेकर सीपीयू दिया था रिबॉलिंग करने के लिए और आईफोन का A8 का था सीपीयू जिसको रिबॉल्व करना था, जो कि सुबह सुबह बेहतर तरीका से ट्रिक से बताया गया कैसे करना है रिबॉल्व, और भी मैंने उसे अच्छा से कर भी पाया। उसके बाद हमें एक कॉम्पोनेंट की क्लास हुई जो कि हमारे देव सर लिए, उसमें कॉम्पोनेंट में आज डायोड बताया गया है और कॉइल बताया गया है, उसका अलग अलग प्रकार नया नया जितने ही मॉडल में आ रहे हैं उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद फिर से सारे चीज़ का प्रैक्टिकल है, उसको हम टेस्ट किए अपने खुद के हाथों से। और परमार है, मैं गुजरात से हूँ। हाँ जी। आज हमारी दूसरे दिन की क्लास थी, सीपीयू रिबोलिंग करना सिखाया, पावर आईसी रिबोलिंग करना सिखाया, कौन सा करा आपने? आईफोन 8 का सीपीयू रिबोलिंग किया और सैमसंग का ड्यूल लेकर सीपीयू रिबोलिंग किया, और उसके बाद देव सर के साथ क्लास थी उसमें देव सर के साथ हमको डायोड और कॉइल के बारे में कहाँ से क्या चेक करना है क्या जानकारी उसके बारे में बताया गया है, और सब कुछ एकदम डीपली डिटेल्स जो है वो देव सर के पास मिलती है जो कोई यूट्यूब में मिलती नहीं है जी, और उनके साथ सीखना वो एक बहुत बढ़िया ये है अनुभव है। और उसके बाद हमारा दूसरी बार स्वागत है, मैं आसाम से हूँ। आज सुबह हमारी आईसी की क्लास थी, आईसी रिबोलिंग की, जिसमें हमने आपका डबल डेकर आईफोन की आईसी ये सब लगाई, पावर आईसी लगाई, बहुत अच्छी थी। उसके बाद हमारी कंपोनेंट की क्लास हुई, उसमें भी देव सर ने बहुत अच्छे से समझाया। उसके बाद अभी फिर शाम को हमने फिर एक बोर्ड से अच्छे बोर्ड से आईसी उठा के फिर लगाई बैठाई बहुत अच्छे से बस क्लास। नाम प्रदीप चौधरी है और मैं नेपाल से हूँ। आज सुबह हमारा आईसी रिबोलिंग का क्लास था, उसमें हम लोगों ने डबल डेकर आईसी और आईफोन की आईसी रिबल की, फिर हमारा देव रत्न अग्रवाल सर के साथ 11:30 पर क्लास था।
उसमें हम लोगों को कंपोनेंट कॉइल की और डायोड की नॉलेज मिली, जो सोच के आए थे उससे बढ़कर मिली। डबल ट्रैकर और आईफोन सीपीयू की रिबॉलिंग की क्लास थी और कंपोनेंट की थी। कंपोनेंट की क्लास दोपहर को 11:30 बजे देव सर के साथ थी, और देव सर इसको पढ़ाने का तरीका सबसे अलग है सर जी, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। और बाद में हमारी प्रैक्टिकल क्लास थी जिसमें हमने सीपीयू रिबॉल करे और ड्यूल डेकर का सीपीयू रिबॉल करे। हमने आज से पहले कभी भी रिबॉलिंग नहीं की थी, पहली बार कल और आज की है। हमने सोचा भी नहीं था कि हम एक दिन में सीपीयू रिबॉल कर सकते हैं जी, लेकिन हमने रिबॉल किया। और फिर 11:30 बजे सर की क्लास थी, देव सर की कंपोनेंट की, जिसमें हमें कोयल और डायोड की पढ़ाया गया जी, और बहुत अच्छे तरीके से हमें समझ में आया जी। मेरा नाम तारा ढकाल है, मैं नेपाल से आया हूँ। आज सुबह 8 बजे की क्लास में हमारे सीपीयू रिबॉलिंग का क्लास था, उसमें हमने डबल डिकर सीपीयू रिबॉल किया। आज से पहले मैंने कभी मोबाइल खोला भी नहीं था। अच्छा, पहली बार फ्रेशर भी हूँ, पहली बार आया अभी। इतने दूसरे लोगों के बराबर तो कर नहीं पाया हूँ, लेकिन किया हूँ, जितना सोचा था उससे ज़्यादा कर। 8 साल वाले के देवरत्न सर के साथ क्लास था, क्लास में समझाया गया था कि कोयल और डायोड के बारे में समझाया गया था, बहुत अच्छी तरह से डीपली लेवल में समझाया गया। टाइम यूनिवर्सिटी टाइम से रिवॉल्व किया आईफोन में डुअल डेकर सीपीयू जी। उसके बाद में देव सर के साथ कोयल डायोड की क्लास थी और डीपली एंड लेवल तक बताया गया। कैसी रही क्लास आपकी 2 दिन की? सर आज सुबह हमने डबल डेकर सीपीयू और पावर आईसी रिवॉल्व की है जी। उसके बाद देव सर के साथ कंपोनेंट की क्लास थी, उसमें हमने डायोड और कॉइल पढ़ी है जी। डायोड और कॉइल ऐसे देखते ही पहचानने का सर ने ट्रिक बताया है, वो पूरा दिमाग में भर गया सर। उत्तराखंड से हूँ, 8 साल मैंने आज तक कभी आईसी को रिबॉल नहीं करा, और पहले दूसरे ही दिन में आईसी को रिबॉल कर दिया मैंने, बहुत अच्छा लग रहा है। और कंपोनेंट की पूरी एंडलेस तक नॉलेज मिली है, देखते ही पहचान लूँगा कौन सा थर्मिस्टर है, कौन सा रजिस्टर है। थैंक यू वेरी मच, आई लव यू। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? उसका सीपीयू निकाल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीयू निकालने वाले हैं?